इसराइल और हिजबुल्लाह जंग के इतना करीब आ चुके हैं कि यहां से दोनों का अपने कदम वापस खींचना एक अजूबा ही होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार हमास को गाजा में सेफ कवर देने के लिए उत्तरी इसराइल पर हवाई हमले कर रहा है और इसकी वजह से इसराइल भी जवाबी हमले कर रहा है। और अब दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि अब ये कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कह दिया है कि वो लेबनान को पाषाण युग में पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसराइल युद्ध नहीं चाहता। योव गैलेंट ने अपने एक बयान में कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम हर हालातों के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सब के बीच बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के हमलों में कोई कमी नहीं आई है और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने मेतुला सेटलमेंट में इजरायली सेना के जमावड़े और उसके जासूसी उपकरणों पर एक बड़ा हमला किया है। यह हमला बिरकत रिशा मिलिट्री साइट के पास हुआ है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसका हमला एकदम सटीक और सीधा रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग में इजरायली सैनिकों ने पोजीशंस ले रखी थी जिस पर हमला किया गया और इस हमले में इमारत में आग लग गई, जिसमें आईडीएफ के कई सैनिक या तो मारे गए या फिर घायल हुए हैं। इस हमले के अलावा हिजबुल्लाह ने बिरकत रिशा में आईडीएफ के एक जासूसी उपकरण पर भी हमला किया है जिसमें वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। वहीं इस हमले को लेकर लेबनानी मीडिया हाउस अलमयादीन ने इसराइल के अलमलीखिया सेटलमेंट पर हमले की पुष्टि की है। अलमयादीन का ये भी कहना है कि इसराइल ने लेबनान के रामिया और अलकाब्जा में गोला बारूद से हमला किया है। इसके साथ ही खियाम और कफर चौबा में भी इजरायली सेना ने बम और गोले फायर किए हैं। आपको बता दें कि इस हमले से पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ की 91 डिवीजन के हेडक्वार्टर पर नहाल गिरशोम इलाके में हमला किया था। हिजबुल्लाह ने यहां पर ड्रोन्स का एक पूरा जत्था फायर किया था और इस हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इस अटैक में आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है और इस हमले में हेडक्वार्टर के भीतर भीषण आग लग गई थी। और इस अटैक के अलावा बयात ब्लिदा और बिरकत रिशा सैन्य अड्डे पर भी हिजबुल्लाह ने दनादन गोला बारूद से हमला किया। ऐसे में मौजूदा हालातों को देखकर लग रहा है कि हिजबुल्लाह और इसराइल लगातार पूरी तरह से युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं।